नमस्कार, कुकिंग में शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना शुरू हो चुका है। 22 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक जो है ये सावन का महीना रहेगा। सावन का महीना जो है कई कुछ लोग संक्रांत से संक्रांत तक व्रत रखते हैं, कुछ लोग पूर्णमासी से अभी पूर्णमासी तक व्रत को रखते हैं। जो लोग संक्रांत से संक्रांत तक रखते हैं 19 तारीख को उनका व्रत आएगा लास्ट, और राखी का दिन होगा वो, राखी का त्यौहार है उस दिन, और कई लोग जो है उस दिन व्रत नहीं रखते हैं, उससे पहले में ही जो है अपना उद्यापन कर लेते हैं। आप अगर चार व्रत रखना चाहते हैं तो आप उससे पहले वाले में जो है उद्यापन कर लीजिए, नहीं तो राखी वाले दिन अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप रख सकते हैं। अब बात आती है जो कि आप सबने मुझसे बहुत बार पूछा कि इस व्रत में नमक खा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि अगर आपकी कोई मेडिकल इश्यूज हैं और आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत जरूर रखिए। ये जरूरी नहीं है कि आप व्रत रख रहे हैं तो आपको नमक ना ही खाएंगे तो ही आपका व्रत जो है वो पूरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। व्रत श्रद्धा के अनुसार रखा जाता है, और आपकी अगर पूरी श्रद्धा है व्रत पे तो आप एक व्रत अगर एक टाइम अगर नमक खा भी लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। नमक लेकिन जब भी आप खाएं तो आप एक वक्त ही खाएं पूरे दिन में, जैसे कि शाम को आप भोजन करें तो नमक आप डाल सकते हो अपने खाने में, लेकिन जो भी नमक आप डालें आपने सिर्फ सेंधा नमक ही यूज करना है। काला नमक यानी कि रॉक सॉल्ट आप बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ सेंधा नमक ही आप यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेरे से बहुत बार जो है लोगों ने पूछा है, और बहुत सी वीडियोज भी मैंने डाली है, आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर जो है और वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें भी मैंने पूरी डिटेल में जो है पूरा दिया हुआ है कि इस व्रत को किस तरह से रखा जाता है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, सारे जो आपके क्वेश्चन हैं, उसके आंसर्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो आज जो है मैं सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं आपको दे रही हूँ, जो कि मुझसे पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स में, उस सबको मैं कवर कर रही हूँ आज। और ये क्वेश्चन जो है मेरे पास बहुत ही बहुत बार मेरे से पूछा गया नमक के बारे में कि नमक खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं व्रत में, और खाएं तो कौन सा नमक खाएं। तो ये आपको मैं बता रही हूँ, हमेशा जो है आप सेंधा नमक ही खाएं, बिल्कुल भी नॉर्मल नमक ना खाएं, कोई चाट मसाला मत खाएं, कोई आप काला नमक मत खाएं, सिर्फ सेंधा नमक ही आप खाएं। और एक बार आप अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप व्रत नहीं रख सकते हैं और आप रखना चाहते हो तो आप जरूर रखिए, और एक टाइम नमक आप खा लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है मुझसे सोनम जी ने पूछा है, उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि सरसों का तेल जो है हम व्रत में क्यों नहीं खा सकते हैं। सरसों का तेल हम इसलिए नहीं खा सकते हैं सोनम जी, क्योंकि सरसों का तेल जो है बीज से बना होता है, कोई भी बीज से बना हुआ तेल, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो या अलसी का तेल हो, हमें नहीं खाना चाहिए, वर्जित होता है ये। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम इसे ना खाएं, इसे अवॉइड करें, और इसके बजाय हम देसी ही यूज करें, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगला कमेंट जो है मुझे अमित जी का आया है, और वो कहते हैं कि मैं सारा दिन जो है ये व्रत रखकर सारा दिन तो मैं फ्रूट्स खा लेता हूँ, और रात को 12 बजे के बाद मैं जो है जीरा आलू और सब्जी के साथ जो है मैं चपाती खा लेता हूँ। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आप व्रत बिल्कुल ठीक तरीके से रख रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं लहसुन भी नहीं खाता हूँ, प्याज भी नहीं खाता हूँ, और नमक भी नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं खाना जो खाता हूँ वो 12 बजे के बाद खाता हूँ। उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि व्रत वो बिल्कुल सही तरीके से रख रहे हैं, लेकिन रात को 12 बजे खाने की बजाय उनको अंधेरा होने से पहले उसी दिन खा लेना चाहिए। अगले दिन में बिल्कुल 12 बजे के बाद जो है अगला दिन चढ़ जाता है, उस समय हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हमें जो है कोशिश करें वो शाम से पहले पहले जो है अंधेरा होने से पहले पहले अपना भोजन करके फ्री हो जाए। अब अगला क्वेश्चन है लक्ष्य जी का। लक्ष्य जी मुझसे पूछ रहे हैं कि जिस दिन हमने व्रत रखा है उसके अलावा अगले दिन जो है हम हरी सब्जियां खा सकते हैं कि नहीं, इसका मतलब ये सारा सावन का महीना जो है व्रत रखते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल खा सकते हैं, आप एक टाइम कोई भी सब्जी ले लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, एक वक्त खा लीजिए। अगर आप पूरा महीना व्रत रख रहे हैं तो एक टाइम जो खाना खा रहे हैं उसमें आप कुछ भी खा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, पर मंडे के मंडे जो है आप पूरा नियम फॉलो करें। वो जो आप एक वक्त खा रहे हैं उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन जो है रूपन जी का है, वो मुझसे पूछ रही है कि चाय हम कितनी बार पी सकते हैं दिन में व्रत रखकर। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आप व्रत रख रहे हैं तो कोशिश करिए कम से कम पीने की, लेकिन अगर आपसे नहीं रुका जाता है, आपके सर में दर्द हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप चाय ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। 3 से 4 बार लीजिए या उससे एक आध बार एक्स्ट्रा और ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। चाय के पीने का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि आपने कोई लिमिटेड चाय पीनी है, इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पीने को आप पी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अमित जी का, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि अगर दूध या मठा ले लें तो और कुछ भी ना लें तो हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, आप दूध और मठा पीकर अगर आप फूल रहते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको आसानी से आप व्रत रख पा रहे हो ये लेकर, तो आप ये ले सकते हो, नहीं तो आप फ्रूट्स खाइए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, फलाहार व्रत आप रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो मैंने ये पूछ रहे हैं कि हम इस व्रत में क्या आम का अचार खा सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल खा सकते हैं आम का अचार। अभी रिसेंटली मैंने एक रेसिपी डाली है सावन के व्रत में खाने वाले आम के अचार की, उस रेसिपी को फॉलो करके आप अचार बना सकते हो, और बिल्कुल इसी तरह से इसी इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाओगे तो आप बिल्कुल खा सकते हो। अगले क्वेश्चन में प्रज्ञा जी पूछ रही है कि मैम दूध नहीं पी सकते हैं। दूध बिल्कुल आप पी सकते हैं, दूध से बनी हुई हम खीर खाते हैं इस व्रत में,
महादेव को चढ़ाई जाती है, शिव पार्वती जी को ये खीर जो है चढ़ाई, जो कि उनकी बहुत ही फेवरेट होती है, उनको उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है इस दिन सावन के महीने में, और इसी प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। तो ये लेने में बिल्कुल, और दूध पीने में भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल दूध को पी सकते हैं। अगले क्वेश्चन में नेहा जी पूछ रही है कि सावन के व्रत में खाने वाले जो व्रत वाले आलू हैं वो किस बिना नमक के वो किस तरह से बनाए जाए। तो नेहा जी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में, सावन की प्लेलिस्ट में आप जाइए मेरे चैनल में और आप देखिए वीडियोस, मैंने बहुत से आलू की रेसिपीज और बहुत सी और रेसिपीज जो है मैंने इसमें बिना नमक के बनाई हुई है, आप देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो सारी रेसिपीज को। अगला प्रश्न सरिता जी का है, वो पूछ रही है कि मैंने फलाहारी व्रत रखने का सोचा है और क्या मैं दोपहर में और रात में दोनों वक्त फलाहार रख के जो है मैं फल खा सकती हूँ। तो हाँ बिल्कुल आप खा सकते हो, आप जितने मर्जी फल खाइए सारे दिन में आप बिल्कुल फल ले सकते हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप फल खाइए, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे जी का है, वो पूछ रही है कि शाम को कितने बजे खाना खा लेना चाहिए और उद्यापन तो नहीं करते हैं। तो करेंगे जी शाम को आप अंधेरा होने से पहले पहले जो है खाना खा लीजिए, और उद्यापन की बात जब तक जहाँ आती है तो जब आप अखीला लास्ट वाला व्रत रखें सावन का, उद्यापन तब करें। हर बार व्रत रखने के बाद हमें उद्यापन नहीं करना होता है, सिर्फ लास्ट व्रत में ही हमें उद्यापन करना होता है। शिल्पा जी का है अगला क्वेश्चन, वो पूछ रहे हैं क्या व्रत में रसमलाई खा सकते हैं। तो शिल्पा जी व्रत में रसमलाई आप बिल्कुल खा सकते हैं, रसमलाई आप तभी खा सकते हैं, घर में बनी हुई रसमलाई को आप खा सकते हैं, घर में बनाइए जिसमें आप उसकी ग्रेवी में बिल्कुल भी कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे, और इसी तरह से दूध को गाढ़ा करके ही आप इसको बनाएंगे, और रसगुल्ले जो है बिल्कुल पनीर के ही होने चाहिए, उसमें कोई कॉर्नफ्लोर या मैदा नहीं रहना चाहिए। अगर इस तरह से बनाकर आप खाएंगे तो बिल्कुल खा सकते हैं। और अगर आपको सावन के व्रत में खाने वाली रसमलाई की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊँ। अगला पूनम जी पूछ रही है कि अब क्या हम घी की सब्जी खा सकते हैं। तो घी की सब्जी वैसे तो व्रत में नहीं खाई जाती है, लेकिन अगर आप नहीं रह सकते हैं और आपको कोई मेडिकल इश्यू है, कोई बीपी की प्रॉब्लम है या कोई शुगर की प्रॉब्लम है जिसमें कि आप आलू नहीं खा सकते ज़्यादा और पनीर नहीं खाना चाहते हैं, तो आप घी की सब्जी व्रत ना रखने से मैं कहूँगी कि आप व्रत रखिए और आप एक टाइम जो है ये खा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में नीलम जी पूछ रही है कि क्या मैं अदरक की चाय पी सकती हूँ। बिल्कुल आप अदरक की चाय पी सकते हैं, अदरक खाने में या अदरक की चाय पीने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन प्रियंका जी का पूछ रही है कि अगर हम दिन में एक बार खाना खाएं तो क्या हम उसमें खीर खा सकते हैं। बिल्कुल खीर खा सकते हैं, सिर्फ एक वक्त ही हमने खीर खानी है, अन्न हमने सिर्फ एक वक्त लेना है, तो आप बिल्कुल एक टाइम जो है खीर खा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दीपिका जी का है, वो कह रही है कि ये व्रत जब हम खाना खा लेते हैं व्रत का, तो उसके बाद ये व्रत समाप्त कैसे होता है वो बताइए, वो हमें नहीं पता लगता है, लेकिन वो मैं आपको बताती हूँ कि व्रत जो है एक दिन पहले 12 बजे शुरू होता है और रात के 12 बजे तक ये व्रत जो है रहता है। अगले दिन जो है ये व्रत को समाप्त करते हैं, यानी कि मंडे को एक दिन पहले जो है पिछली रात को हम जो है 12 बजे ये व्रत को शुरू करते हैं और पूरा दिन व्रत रख के 12 बजे तक हमारा ये व्रत रहता है। तो 12 बजे से 12 बजे तक जो है हमने ये व्रत को रखते हैं पूरा दिन। अगला दिन जो है वो ट्यूसडे का दिन आ जाता है, वो हमारा व्रत जो है उस दिन नहीं रहता है। तो इसी तरीके से जो है इस व्रत को रखा जाता है। और वो पूछ रही है कि ये व्रत जो है कैसे हम समाप्त करें, उसको कैसे प्रार्थना करके कैसे समाप्त करें। तो ऐसा है कि अगले दिन जब आप अगला दिन चढ़ता है तो आप जैसे नॉर्मल सुबह उठते हैं और पूजा पाठ करते हैं वैसे ही अपने नॉर्मल पूजा पाठ कीजिए, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है आपका व्रत मंडे का मंडे ही रखा जाता है, ट्यूसडे का अगला दिन शुरू हो जाता है, तो आपका व्रत ऑटोमेटिकली जो है समाप्त हो जाता है। अगले कमेंट में पूछ रहे हैं कि क्या हम खीरा खा सकते हैं। तो जी हाँ, खीरा खा सकते हैं, व्रत रखकर खीरा खाने में कोई दिक्कत नहीं है। निशा जी का अगला क्वेश्चन है, वो पूछ रही है कि पांचों के पांचों व्रत रखने के बाद उद्यापन भी करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल आपको करना चाहिए उद्यापन, और उद्यापन में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ आप पंजीरी बनाए आटे की और उसका जो है भोग शिव जी को लगा सकते हैं, और साथ में जो है आप सुहाग का जो सामान होता है वो आप पार्वती जी को के चरणों में चढ़ाएं, और इस तरह से जो है उद्यापन कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में जितने क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दे पाई, मैंने कोशिश करी, मैंने आपको दिए, और अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगले Q&A वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दूँ। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।